जिस देश में बच्चों के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है और जिस पार्टी की नींव और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जन्मदिन को पूरी तरह समर्पित कर दिया, उस पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हीं प्रधानमंत्री की प्रतिमा को साफ करने के लिए एक नाबालिग बच्चे से बेगारी करवाई। यह देश के लिए एक अजीब विडंबना है। मामला प्रयागराज के बालसन चौराहे का है, जहां पर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्थायी सदस्य प्रमोद तिवारी जी को आना था। आनन फानन में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एक नाबालिग बच्चे को मूर्ति की सफाई करने के लिए प्रतिमा पर चढ़ा दिया और उससे प्रतिमा की धुलाई करवाई। इससे भी बड़ी विडंबना यह थी कि बच्चे द्वारा धुलाई कराने के बावजूद भी सभी पदाधिकारी हंसते दिखे और इस विषय पर अपनी कन्नी काट ली। जब बच्चों के लिए निर्दिष्ट दिन पर ही बच्चों से काम कराया जाए और ऐसे लोगों द्वारा जिनके नेता बच्चों के सम्मान में अपना जन्मदिन समर्पित किया हो, तो उस पार्टी की चाल और ढाल क्या होगी, यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। शायद इसीलिए ही बराक ओबामा ने राहुल गांधी को नर्वस कीट के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेहरू अमर। पहले तो मैं बाल दिवस के इस अवसर पर देश के सभी सम्मानित बच्चों का हृदय से अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से कांग्रेसियों की जो मानसिकता है वो सदैव गुलामी की मानसिकता उनकी रही है। वे परिवार की गुलामी करते करते वो यह भूल गए कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं। अगर उनके अंदर हम संस्कारों का बीजारोपण नहीं कर सकते हैं, उनको हम तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं, तो कम से कम ऐसा काम ना कराते। बाल दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों को चाहिए था कि बच्चों के बीच में जा कर के उनके अंदर संस्कार रोपित करने का कार्य करते, लेकिन वो अपने नेता की मूर्ति सफाई करवा रहे हैं। तो ये बताता है कि उनकी मानसिकता वास्तव में न बच्चों के हित में रही है कभी, न देश के हित में रही है, न समाज के हित में रही है। सिर्फ वो कांग्रेसी जितने भी हैं वो सिर्फ नेहरू गांधी खानदान की गुलामी करते हुए उनका जीवन गुजर रहा, वो ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। मैं गणेश केसरवानी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रयागराज महानगर।